हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज हम बनाएंगे आर्गेनो। मैं घर में कैसे आर्गेनो बनाती हूँ ये आज आपको बताऊँगी। तो चलते हैं अब मेरे बालकनी में। मैंने बालकनी में ये प्लांट लगा के रखा हुआ है। ये अजवाइन का प्लांट है। इसका बिल्कुल केयर की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये ऐसे ही बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। तो मैं बहुत थोड़ा सा लगाई थी, छोटा सा डाल था उसका, तो मैं उसको लगा दी थी। ये पूरा फैल गया है और इसमें बिल्कुल केयर की ज़रूरत नहीं होती। मैं बिल्कुल केयर नहीं करती हूँ। ऐसे ही बारिश बारिश का पानी होता है, पड़ता है, तो ये अपने आप फैलता रहता है। इसको एक हफ्ते दो हफ्ते आप पानी भी नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं अब इसको तोड़ रही हूँ। उसके बाद अभी इसका बनाना स्टार्ट करेंगे। आपको मैं बताऊँगी कैसे आर्गेनो बनाते हैं, होममेड आर्गेनो कैसे बनता है, और इसका स्वाद भी अलग होता है। अब तो बच्चों को हर चीज़ में चाहिए होता है। तो बस मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, अभी मेरे पास बहुत सारा है। मैं आपको बस बता रही हूँ कैसे बनता है। अब हम इसे अच्छे से एक गिलेप इसका अलग कर लेंगे और उसके बाद उसे हम अच्छे से वॉश करेंगे। मैंने लिप्स को अलग कर लिया है इसके, और इसके बाद इसके डंठल को साइड कर दिया है। आप चाहें तो इसके डंठल को किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। उसमें कुछ भी आपको करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉट में ले जाके ऐसे ही डाल देना, वो अच्छे से ग्रोथ। हर किसी को अजवाइन का प्लांट अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि पेट दर्द वगैरह में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसको फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। वॉश कर लिया। उसके बाद हम इसको इसी साफ टॉवल वगैरह टॉवल पे अच्छे से इसको सुखा लेंगे, इसके पानी को। मैंने सुखा लिया है। अब मैं कढ़ाई रख रही हूँ इस पर, गैस पे। गैस ऑन कर दिया है मैंने, कढ़ाई रख दिया है। अब हम हल्का सा गर्म करेंगे, उसके बाद हम सारे लिप्स को उसमें ऐड करेंगे। ध्यान रहे गैस का फ्लेम हमेशा स्लो ही रखना है, और उसके बाद अच्छे से दोनों तरफ से पलट पलट कर हमें इसे अच्छे से सेक लेना है।
आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है, काफ़ी हद तक हो चुका है। अभी इसको ऐसे ही हमें अच्छे से भून के इसे पकाना है। मैं थोड़ा ही बना रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अभी मेरे पास बहुत सारा ऑरिगैनो रखा हुआ है, इस वजह सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं बना रही हूँ। आप देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। और इसको थोड़ी देर और हमें ऐसे ही दोनों तरफ से सेकना है। उसके बाद हम एक लीफ निकालेंगे और चेक करेंगे कि अभी कितने हद तक हुआ है। मैं यहाँ एक लीफ उठाऊंगी, उसको चेक करूंगी। तो देखिए थोड़ा सा और होना बाकी है जिसे भून लिया, हो गया है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे, भून गया है अच्छे से। और उसके बाद हाथ से ही हम मैश के, आप चाहें तो मिक्सर वगैरह में भी चला सकते हैं, मैं हाथ से ही मिक्स करके बना लूँगी। तो ऑरिगैनो बन के रेडी हो जाएगा। ये कितना अच्छा ऑरिगैनो बन रहा है, इसका स्वाद भी अलग होता है। होममेड ऑरिगैनो बनकर रेडी है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।